ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಗೃತಿ. औरंगाबाद शहर के बेमडे अस्पताल में 28 जनवरी को अमेरिका की स्माइल ट्रेन सेवा भावी संस्था का आगमन हुआ. ये संस्था पिछले 20 सालों से पूरे भारत में बच्चों के जन्मजात कटे होठ और टालू के ऑपरेशन मुफ्त में करती है. इसी संस्था का वेलकम प्रोग्राम 28 जनवरी 2020 को शहर के बेमडे अस्पताल में रखा गया. साथ ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया ताकि आम जनता तक इस प्रोग्राम का पता चले. इस पत्रकार परिषद को संबोधित किया बेमड़े अस्पताल के प्रसिद्ध प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर रमाकांत बेमड़े और स्माइल ट्रेन इस संस्था की भारत प्रकल्प अधिकारी लीला इमाम. इन्होंने बताया कि पिछले 20 वर्षों से भारत में ये संस्था कार्यरत है. 20 सालों में पूरे भारत में करीब 6 लाख मुफ्त सर्जरी की है और 2007 से ये संस्था औरंगाबाद के बेमड़े अस्पताल से जुड़ी है. बेमड़े अस्पताल में पूरे साल स्माइल ट्रेन इस संस्था के साथ मिलकर जन्मजात बच्चों के कटे होठ और टालू के ऑपरेशन मुफ्त करते हैं. अभी तक करीब 1000 से ऊपर बच्चों की सर्जरी यहां की गई. ये बड़े गर्व की बात है. और भी जनता को इस शिविर का लाभ मिले इसलिए ये पत्रकार परिषद रखी गई. स्माइल ट्रेक एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और इसकी स्थापना भारत में 20 साल पहले हुई थी. इन 20 सालों में हमने भारत में 6 लाख से ज़्यादा सर्जरी कर ली है और हम औरंगाबाद में ये सर्जरी 14 साल से कर रहे हैं और डॉक्टर बेमडे के हॉस्पिटल में हमने 1000 से ज़्यादा सर्जरी कर ली हैं. और हमने महाराष्ट्र में हमारे 14 हॉस्पिटल हैं और इन 14 हॉस्पिटल्स में हमने 48,000 से ज़्यादा सर्जरी कर ली है. और हमारा मकसद है कि कोई भी बच्चा कटे होठ और तालू के साथ में दुनिया में कहीं भी पैदा हो उसको आपके जैसे और मेरे जैसे बिल्कुल सामान्य ज़िंदगी जीने का हक है और हम उनकी बिल्कुल मुफ्त में सर्जरी करते हैं. तो भारत में हमारे 170 हॉस्पिटल हैं. अगर आपको कहीं पर भी कटे होठ और तालू का बच्चा मिलता है उसको आप हमारे हॉस्पिटल में लेकर आइए. उनका बिल्कुल मुफ्त में इलाज होगा और उनके आने जाने का रहने का पूरा खर्चा किया जाएगा. जैसे डॉक्टर बेमडे हैं ये हमारे औरंगाबाद में सर्जरी करते हैं और आपने देखा होगा यहाँ पे बच्चों से आपसे मुलाकात हुई है तो इनका बिल्कुल मुफ्त में इलाज किया जाता है. और जब ये बच्चे कटे होठ और तालू के साथ पैदा होते हैं तो ये नहीं कि वो दिखने में ठीक नहीं लगते हैं, उनको सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है और जब वो खाना खाते हैं अगर उनका कटा तालू होता है तो खाना उनकी नाक से और कान से निकल जाता है. तो इन ऐसे बच्चों का डेवलपमेंट पूरा नहीं होता है तो इनकी सबसे पहले जो प्रॉब्लम होती है माँ बहुत घबरा जाती है ऐसे बच्चे को देखते हैं. माँ एक्सेप्ट नहीं करती, फैमिली मेम्बर्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं और कई बार हमने देखा जाता है कि इन बच्चों को छोड़ दिया जाता है. तो ऐसे बच्चे को ये हम आपके थ्रू बताना चाहते हैं कि ये एक बहुत छोटी सी त्रुटि है ये जिसके साथ बच्चे पैदा होते हैं और ये कहीं पे भी दुनिया के हर कोने में होता है. ये नहीं कि भारत में ही होता है. यहाँ हमको ज़्यादा कटे होठ और तालू के बच्चे ज़्यादा दिखते हैं बिकॉज हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है. ये कटे होठ और तालू के बच्चे आपको अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया सब जगह मिलते हैं लेकिन वहाँ पर जो होता है ट्रीटमेंट उनका जल्दी मुफ्त में हो जाता है बिकॉज वहाँ पर गवर्नमेंट उनका ख्याल रखती है. यहाँ पे हमारी सबसे बड़ी समस्या होती है कि जो हमारे गरीब बच्चे हैं दूर दराज जगह पे हैं तो सबसे पहले उनकी प्रॉब्लम होती है कि बिकॉज यहाँ पे एक मान्यता है कि जो बच्चा कटे होठ और तालू के साथ पैदा हुआ है माँ ने या तो कि चंद्र ग्रहण के टाइम पे कुछ काट दिया है या आप पूछे पिछले कर्मों का कुछ सह रहे हैं तो माँ बाप कहते नहीं हमने पिछले कर्मों में कुछ जन्म में कुछ कर्म किए होंगे तो उसका इलाज नहीं करवाते, ये भगवान की देन है. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये भगवान की देन तो है लेकिन ये बिल्कुल आपकी भी एक जिम्मेवारी है कि बच्चे को वक्त पर आप हॉस्पिटल लेकर के आए और इनका जल्दी से जल्दी इलाज हो सके ताकि ये आपके जैसे मेरे जैसे बिल्कुल सामान्य जिंदगी जी सकें. जैसे डॉक्टर साहब ने कहा बच्चों की टाइम से सर्जरी हो जाती है, डॉक्टर्स बन जाते हैं, इंजीनियर्स बन जाते हैं. हमारे हॉलीवुड में कितने एक्टर्स जो हैं उनकी क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट की सर्जरी होती है. और क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट एक मज़ेदार बात यह है कि ये बच्चों में ही नहीं ये जानवरों में भी पाया जाता है. आप घोड़े में भी होता है, कुत्तों में भी होता है, बिल्ली में भी होता है. तो हम देखते हैं क्लेफ्ट जो है ये कहीं पे भी किसी भी इंसान में हो सकता है, किसी भी जानवर में हो सकता है और ये सर्जरी से ठीक समय पे सर्जरी कराने से बिल्कुल ठीक हो जाता है. एज अ प्लास्टिक सर्जन माता पिता को क्या आप संदेश देना चाहेंगे कि उन्होंने बच्चे के लिए प्रिकॉशन करना चाहिए? सभी माता पिता जिनके बच्चों में ओट के और टालू के डिफेक्ट है, क्लेफ्ट लिप और पैलेट है, ऐसे पालकों को मैंने अभी दिखाया कि एक लड़की जिसका बायलैटरल क्लेफ्ट लिप और पैलेट था, दोनों तरफ से ओट कटे थे और टालू कटी थी, ऐसी बच्ची आज
अच्छे मार्क्स लेके डिस्टिंक्शन में MBBS डॉक्टर हो गई है, वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में से हुई है, गवर्नमेंट औरंगाबाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मधून ती आता MBBS डॉक्टर झालेली आहे आणि खूप हुशार मुलगी आहे। आप अगर उससे बात करेंगे तो आपको ध्यान में भी नहीं आएगा कि इसको कभी एक पैलेट था। तो इसका मतलब ऐसा है कि अगर नॉर्मल बच्चे को डॉक्टर बनना है तो कितना परिश्रम लगता है, उसके लिए ध्यान देना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है। तो जो बायलैटरल क्लेफ्ट लिप पैलेट है, जो सबसे सीवियरस एनोमली है, सबसे ज़्यादा व्यंग है, ऐसी बच्ची, उसका नाम मैं बोलता हूँ, मयूरी नाम है उसका, मयूरी कल्याण पाठ, वो बच्ची आप सबके लिए एक आइडल है, हमारे लिए भी इंस्पिरेशन है। हम लोग सरप्राइज हो गए जब वो MBBS का एडमिशन हो गया, पेड़े लेके आ गई, हमको विश्वास नहीं हो गया, और उसका कॉन्फिडेंस लेवल, उसका आत्मविश्वास बहुत अच्छा है। तो आप ये बात ध्यान में रखिए कि आपकी बेटी, आपका बेटा भी डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, लॉयर बन सकता है, या जो भी प्रोफेशन वो चुनेगा उसके लिए इसकी वजह से उसको कोई अड़चन नहीं आएगी। तो आप निश्चिंत रहिए और कॉन्फिडेंस के साथ अपने बच्चे से डील करिए। हम लोग आपको मार्गदर्शन करने के लिए कभी भी उपलब्ध हैं।